इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। रवि सर से जानेंगे कि आखिर नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसमें सिर्फ संतोष सुमन की जगह रत्नेश सदा को ही शपथ क्यों दिलाई गई है? क्या राजद को भरोसे में लिया गया है, कांग्रेस को भरोसे में लिया गया है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार अपनी संख्या के मुताबिक 2 सीटों की 2 मंत्री बनाए जाने की मांग हो रही थी। रवि सर, क्या लगता है सिर्फ संतोष सुमन की भरपाई ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है संतोष सुमन की भरपाई के लिए ये जिस तरह से नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को बनाया है, वह एक तरह से डैमेज कंट्रोल है उनका। कि जो महादलित हैं, तो महादलित को जिस तरह से छोड़ करके संतोष सुमन गए नीतीश कैबिनेट को, तो वह एक तरह से डैमेज कंट्रोल हुआ को दिखाने के लिए। और देखिए, साथ ही साथ एक और देखिए, तो इस डैमेज कंट्रोल की पुष्टि ऐसे भी होती है कि सिर्फ रत्नेश सदा को ही नहीं बनाया, माउंटेन मैन बोला जाता है जिनको दशरथ मांझी के पुत्र और दामाद दोनों को जदयू की सदस्यता दिलाई गई। तो यह एकदम स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर है कि जीतन राम मांझी का अलग होना महागठबंधन से और संतोष सुमन का इस्तीफा देना उनके पुत्र का, जो नीतीश कैबिनेट मिनिस्टर थे, वह कहीं ना कहीं इसको नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल किया है। रत्नेश सदा को 3 बार से जो है सो एमएलए रहे जदयू से, तो वो उनको उन्होंने बनाया है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये देखिए, संतोष सुमन जो थे जदयू कोटे से ही थे, ठीक है, वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के थे, अलायंस पार्टनर थे, तो वो जदयू के कोटे से ही वो उनको यह दिया गया था। तो ऐसे में जदयू का ही इसमें दावेदारी बनता था। तो यह कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं है, लेकिन हाँ, बहुप्रतीक्षित बहुत लंबे समय नहीं, से यह देखिए रवि सर, थोड़ा सा रोकेंगे। आपने खुद कहा कि चूंकि जेडीयू कोटे के थे इसलिए जेडीयू कोटे से ही मंत्री बनाया गया। अजीब इत्तेफाक है, मतलब अजीब बात है, चाहे जो कहिए। राजद कोटे से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन एमएलसी हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री थे, और उनके जाने के बाद जेडीयू कोटे से ही रत्नेश सदर को सहरसा के सोनवर्षा के जो विधायक है उनको बनाया गया। सवाल यही है कि जब आरजेडी कोटे से भी 2 मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिकेय, एक एक अगस्त महीने में, पिछले साल के अगस्त महीने में एक ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, दूसरे ने 2 अक्टूबर को, सुधाकर सिंह ने, तो क्या उनकी भरपाई, उनको डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी क्या? सिर्फ जेडीयू कोटे से ही मंत्री क्यों? चूंकि जेडीयू कोटे से हटाया गया तो उधर राजद से भी हटाए गए हैं, मतलब राजद से भी हटे हैं मंत्री पद से 2 लोग, और उसके अलावा कांग्रेस की भी डिमांड है, तो उधर से क्यों नहीं, सिर्फ जेडीयू से ही क्यों? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है सो वह अपने पल्ला इसलिए भी झाड़ सकते हैं कि जदयू कोटे से मंत्री थी, और यह जो है सो एक महादलित चेहरा जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन का नीतीश कैबिनेट में था। तो ऐसे में यह एक बड़ा जोल्ट सा होता उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए। क्योंकि देखिए, 23 तारीख को जो है सो महागठबंधन जो है सो जो विपक्षी एकता की कवायद में नीतीश कुमार लगे हैं, उससे पहले यह एक बड़ा जोल्ट सा दिखाई पड़ रहा, और तमाम तरह देश के तमाम मीडिया मीडिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जीतन राम मांझी का महागठबंधन से अलग होना, उनके मंत्री का, उनके बेटे का जो सो नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना, तो यह एक कहीं ना कहीं यह दिखाने की बात है कि रत्नेश सदा जो उसी समाज से आते हैं, मुसहर समाज से, महादलित कोटे से, तो उनको जदयू ने बना करके एक बड़ा सा पेंट निश्चित रूप से करके दिखाया है। और अब रही बात, जो बात आपने सवाल उठाया है कि राजद से दो मास्टर कार्तिक और सुधाकर सिंह का जो सीट खाली है मंत्री पद इस्तीफे के बाद से, तो वह एक देखिए सबसे, और वो दोनों दो जात से हैं, एक भूमिहार और एक क्षत्रिय, तो यह दोनों जात, और यह A to Z की बात आरजेडी करती है। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की नहीं चल चल पा रही है नीतीश, और इसलिए भी इसको और भी समझ में हम लोग को आता है, क्योंकि A to Z की बात करने वाली अगर यदि नीतीश कुमार के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का चलता, जो उप मुख्यमंत्री है, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से वह दो सवर्ण समाज से आने वाले भूमिहार और राजपूत दोनों को वह जो है सो
वहां पर मंत्रिमंडल में स्पेस मिलता है। रवि सर, थोड़ा सा हम रोकेंगे आपको। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को ये लगता है कि सवर्ण हमारा वोटर नहीं है, चाहे हम जो कर दें सवर्ण हमको वोट नहीं देने वाला है, ये मानकर चला जाए, इसी वजह से राजपूत और भूमिहार कोटा खाली है। हाँ देखिए वो क्या आप नहीं, बोल रहे हैं कि नीतीश के सामने में तेजस्वी टीम नहीं चल पा रही है, शायद इसी वजह से तेजस्वी चाहकर भी नहीं बोल पाए होंगे या नहीं दबाव दे पाए, और इधर विपक्षी एकता की बैठक भी है, तो हाँ इसका नहीं मतलब तो नीतीश कुमार को यही लग रहा है ना कि शायद हमारे वोटर हैं ही नहीं, ये लोग चाहे जो भी कर दे वोट भाजपा को ही देंगे, तो क्या बना। चूंकि देखिए मांझी का रिप्लेसमेंट किया गया, उनको ये लगा कि कहीं महादलित वोट खिसक न जाए, लेकिन वहां पे इसके उलट अगस्त महीने से खाली है, अक्टूबर महीने से खाली है, वहां क्यों नहीं रिप्लेस किया जा रहा है। नहीं वही कह रहे हैं कि देखिए ये सवर्ण समाज से आने वाले दो सीट थे, दो मंत्री भी अगर बनते तो भूमिहार समाज से, जिस तरह से मास्टर कार्तिक का खाली हुआ तो भूमिहार समाज से ही कोई बनता वहाँ, क्षत्रिय समाज से जो सो जिस तरह से सुधाकर सिंह का खाली हुआ तो क्षत्रिय समाज से ही बनता। तो ऐसे में यह दो सीट इतने माने समय से लंबे समय से खाली होने के बावजूद इस पर आरजेडी का रिएक्ट नहीं करना, यह कहीं ना कहीं मजबूरी दिखाई पड़ता है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 देख रहे हैं, जो कमिटमेंट है ये लोग के अंदर खाने में, जो डील की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी कि अंदर खाने में जो डील हुई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और देश की राजनीति करनी है इनको नीतीश कुमार को, यह बात सुधाकर सिंह जो मंत्री थे तत्कालीन मंत्री नीतीश कैबिनेट में, उनके पिता जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, यह बात उन्होंने भी कही थी। तो यह कहीं ना कहीं यह प्रेशर भी दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव चाह करके भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और ऐसे में वह कोई भी जो है सो पंगा लेने की स्थिति में नहीं है अंदर में, इसके लिए वो मंत्री बने न बने कोई सवर्ण समाज से। तो उनको अच्छा सवर्ण समाज का वोट भी जो है सो आरजेडी और महागठबंधन पर चढ़ेगा नहीं, यह बात भी वह लोग समझता है क्योंकि यह एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इस कोई कोई सेगमेंट में किसी किसी विधानसभा किसी किसी लोकसभा क्षेत्र में वैसा हो जाए वो अलग है, लेकिन सब जगह नहीं चढ़ेगा। अब जैसे मोकामा में लेकिन रवि सर, ये भी तो सत्य है ना कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्णी हैं, राजपूत बिरादरी से हैं, उसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भूमिहार बिरादरी से हैं, तो दोनों में विरोधाभास क्यों? अगर नहीं लगता है तो फिर वहां भी नहीं रखना चाहिए ना। नहीं, देखिए वो एक सैम्बोलिक होता है कि हमने बना दिया यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब जो है सो तमाम वह उस समाज का उस कास्ट का वोट जो है सो जो मेरे पाले में रहेगा। यह एक चेहरा है बनाने का, एक चेहरा, एक चेहरा से आप कई निशाने साध सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में यही होता भी है, चेहरा बना दिया गया और निशाना साधने की कवायद हो रही है। अब ऐसे में जो मंत्री बनाने की बात है वह नहीं हो पा रहा है। आप सुधाकर सिंह तो जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के पुत्र हैं, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। तो यह मास्टर कार्तिक जो अनंत सिंह है जो पूर्व विधायक रहे मोकामा से, उनकी पत्नी इस बार जीती उपचुनाव में, वो बाहुबली हैं, तो उनके वो खासम खास हैं मास्टर कार्तिक जिन्होंने इस्तीफा किया। तो यह बात देखिए कहने की है लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों की चल नहीं रही है, और तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों जाएंगे कन्फ्रंटेशन लेने के लिए नीतीश कुमार से इस मामले पर, ऐसा कोई अचीव भी नहीं कर पाएंगे लेकर के। तो अपना आराम से लोग बना हुआ, फिर वो जब भी एक्सपेंशन होगा, और कांग्रेस तो बिहार में पिछलग्गू है, देखिए उसका नतीजा है कि कुंतल कृष्णन जो सो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने नाराजगी होकर कल ही इस्तीफा दिया है पार्टी से। तो ये उन्होंने आरोप भी लगाया है कुंतल कृष्णन ने जो है सो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कि नाराजगी है, उनके स्पष्ट नाराजगी है, वो जिस तरह की जो कार्यशैली महागठबंधन की है नीतीश कुमार की, उस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्तीफा किया है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और देखिए महागठ इतना बड़ा पंचायत नीतीश कुमार लगाने जा रहे हैं और महागठबंधन में इस तरह से सिर्फ फुटव्वल है अंदर खाने में, कभी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नाराजगी करके इस्तीफा कर रहे हैं, कभी जो है सो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भाग जा रहा है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा। तो यह सब क्या हो रहा है, ये सब कहीं भी ऑल इज नॉट वेल है महागठबंधन में, इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं, आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी के सामने में नीतीश कुमार के सामने में तेजस्वी की नहीं चल पा रही है, इसीलिए वो चाह कर भी ऐसा कोई तनाव नहीं लेना चाहे, फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो चलने देना चाह रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हम यही चीजें हम इस बात से स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि यही चीजें तो नीतीश कुमार के साथ भी, नीतीश कुमार के जो शुभचिंतक हैं या फिर जो विरोधी हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की नहीं चलती है तेजस्वी के सामने में। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की बात नोटिस भेजा गया था, नोटिस का जवाब भी उन्होंने दे दिया, बीच बीच में रह रह कर वो हमला बोलते आए हैं नीतीश कुमार पर, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने जरूर दिया है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना। नहीं नहीं देखिए, अब जहां पर कन्फ्रंट्रेशन होने की बात हो सकती है पॉलिटिकली, तो वह जो वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव वहां पर ऐसा वैसा स्टेप नहीं लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए वहां पर सुधाकर सिंह वाले मामले में, सुधाकर सिंह ठीक है जब भी बोलते हैं बोल रहे हैं तो वह पार्टी के अंदर से उनको देखिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ इशारा भी किया जाता है तभी कोई बोला जाता है, नहीं तो कोई अपने नेता के लिए, नेता इन द सेंस की चीफ मिनिस्टर के लिए, सेम गठबंधन में रहते हुए घटक दल रहते हुए कोई इस तरह से नहीं बोल सकता है। वो कहीं ना कहीं इशारा होता है, एक बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टोन और ट्यून को बदलो, थोड़ा सा टाइट करो, थोड़ा सा ट्यून को थोड़ा फाइन करो, तो वो सब भी होता है पॉलिटिक्स में, तो ये होता ही रहता है, इसमें कहीं कोई बहुत बात नहीं। इसको ज्यादा इसको सोचने की नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर यदि जो चाहते हैं वो होता है पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता लालू प्रसाद यादव भी पटना में इन दिनों हाल के दिनों में है, और ऐसे में वह उनसे बड़ा कौन राजनीति का माहिर नहीं क्या रवि होता है। सर, हम तो यही यही कहना ही चाह रहे हैं कि बिल्कुल बिना इशारे पर कोई नहीं बोलता है, बिल्कुल तो हाँ नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि अगर आरजेडी नेतृत्व का इशारा नहीं होता शीर्ष नेताओं का तो सुधाकर सिंह ऐसे नहीं बोलते, तो इसी का बदला ले रहे हैं। जहां उनको मौका मिल रहा है वहां वो भी बदला ले रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं कि हम क्या है चीज है, हो ठीक है सकता है ना इसका बिल्कुल। देखिए राजनीति में तो यही तो महीनी सहमत बारीकी, का खेल चलता ही है। सामान्य यही बारीकी है, इसी को समझना पड़ता है, और यह सब होते रहता है। इसी में जो है सो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस किया जाता है, तो यह चेक एंड बैलेंस भी है। इस तरह से चेक एंड बैलेंस नीतीश कुमार भी करते हैं, इसी तरह से चेक एंड बैलेंस तेजस्वी प्रसाद यादव भी कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव यहाँ है मौजूद, इसलिए कहीं कोई इधर उधर होने की अब बात नहीं मुझे है। ये बताइए कि आने वाले दिनों में आपको ये लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होगा और कांग्रेस कोटे से कोई मंत्री और बनते हुए नजर आए, या आरजेडी कोटे से जो मंत्री पद का इस्तीफा हुआ है वो रिप्लेस करे कोई और? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस को भी देखिए रिझाने और कुछ देने की बात नीतीश कुमार करेंगे। अभी पहले 23 तारीख की लोगों की पहले बैठक समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर हमको लगता है कि उस दिशा में पहल होगी, क्योंकि बहुत सारी बात हो चुकी है, कहीं कई निगम है, कहीं बोर्ड है, उसको भी भरना है। चुनाव से पहले ये लोग चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ये हैं, मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो, उसमें आरजेडी कोटे से भी आए और कांग्रेस कोटे से भी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सब जगह निगम बोर्ड में जो अध्यक्ष का चेयरमैन का पद खाली है उसको भी भरा जाएगा, यह भी एक कवायद होगी, सो दैट कि एक मैसेज भी सब कार्यकर्ताओं में जाए, क्योंकि उससे एक क्योंकि नई देखा जाए ऊर्जा रवि सर संचार की जाएगी। हाँ कि एक तरफ कांग्रेस का समर्थन लेने की बात की जा रही है नीतीश कुमार अंदर खाने, जो चर्चा तो यही है ना कि नीतीश कुमार पीएम पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं, पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो उसमें बगैर कांग्रेस के समर्थन के ये पॉसिबल नहीं है। तो कांग्रेस लीड रोल में है और कांग्रेस के समर्थन की कोशिश चल रही है और कांग्रेस अभी तक समर्थन देती हुई नजर भी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस के बिहार में के आहस्त्र किए हुए हैं, कांग्रेस कोटे के चिल्ला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन से डिमांड कर रहे हैं, जब वो यात्रा पे थे तब की बात थी उसी समय से वो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं। तो ये दोनों अंतर ये तो कांग्रेस को भी नजर आ रहा हो ना अंदर खाने। देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है और कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप केंद्रीय नेतृत्व, यह जब तक केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई इशारा नहीं होगा, प्रदेश नेतृत्व लाख छाती पीटते रह जाए, लाख चिल्लाते रहे, यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं होने जाएगा। क्योंकि देखिए यह कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कांग्रेस, उसमें जो कुछ भी डिसीजन होगा, जिसके नाम पर मुहर लगी कि किसको मंत्री बनना है किसको नहीं बनना है, तो वो केंद्रीय नेतृत्व ही इसका फैसला लेता है। उसी वहां से जब मुहर लग जाएगी केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस में, तब जाकर के यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व को वह
पत्र सौंपा जाएगा, उसके बाद ही यह नीतीश कुमार उस पर फैसला ले सकेंगे। देखिए जदयू कोटे के और आरजेडी कोटे की बात नहीं है, आरजेडी कोटे में जो लालू प्रसाद यादव कहेंगे, जो तेजस्वी यादव कहेंगे वही होगा, लेकिन यहाँ पर तो जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं मुहर लगाता है तब तक किसी की यहाँ पर चलने वाली नहीं है। प्रदेश नेतृत्व नहीं तो लाख आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिना शीर्ष नेतृत्व के की मर्जी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह डिमांड करते रहे हैं मंत्री पद संख्या बल के आधार पर। बस क्लियर दिखाई पड़ता है। क्लियर सिंह देखिए वो सब तो पॉलिटिकल गिमिक है, वो सब दिखाने के लिए कि हम बहुत बोल रहे हैं, बहुत दो दीजिए, तीन दीजिए, ये दीजिए, अति पिछड़ा दीजिए, पिछड़ा दीजिए, अल्पसंख्यक दीजिए, लेकिन कहाँ हो पाता है जब तक कि केंद्रीय नेतृत्व से मुहर नहीं लगेगी। अखिलेश प्रसाद यादव हो या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, या यहाँ के भक्त चरण दास बिहार के पार्टी के मामलों, कांग्रेस के पार्टी के मामलों के प्रभारी हो, उनके कहने से भी नहीं होगा जब तक कि केंद्र से वहां से शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का मुहर नहीं लगाता। चूंकि देखिए खबर तो ये भी आ रही है कि अजीत शर्मा को रिप्लेस किया गया शकील अहमद खान से, तब शायद उन्हें भी ये कमिटमेंट किया गया था कि कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो आपको वहां पे जगह मिलेगी, शायद इसलिए वो माने भी। देखा होगा कि जब शकील अहमद खान को बनाया जा रहा था, विधायक दल का नेता चुना गया था, तब कितने कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी थी। नहीं, खुद अजीत शर्मा भी नहीं थे उसमें, हाँ खुद खुद उस बैठक में, उस मीटिंग के दौरान अजीत शर्मा भी जो है सो नहीं थे। यह सबसे बड़ी बात है। देखिए वो कहीं खुशी तो को ये ना तो रह, कांग्रेस में भी गुटबाजी की ओर इशारा कर ही रहा है, तो फिर और नाराजगी बढ़ सकती है ना। अजीत शर्मा विद्रोह कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, तो ये अजीत डैमेज शर्मा कंट्रोल तो करना होगा ना। नहीं, अजीत शर्मा ये लोग पुराने कांग्रेसी हैं, तो यह लोग सिर्फ ठीक है, थोड़े बहुत नाराजगी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये लोग इधर उधर माने ताक झांक करने वाले नेताओं में से इनकी गिनती नहीं है। नाराजगी हो सकती है, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन इधर उधर वो लोग ताक झांक नहीं करेंगे, इतना तो समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का लेकिन पुराना। आपको भी लग रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद या लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है, और कांग्रेस कोटे से दो नहीं तो कम से कम एक जरूर निश्चित, नीतीश कैबिनेट का हाँ पार्ट होंगे, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई दो मत। और राजद से भी। हाँ राजद को भी एडजस्ट किया ही जाएगा और दिखाया जाएगा उसमें कि देखिए A to Z की पार्टी हम है। देखिए यह सब तो दिखाने के लिए भी बात होती है ना, पेपर पर कुछ, मन में कुछ, अंदर खाने में कुछ, तो इसलिए यह सब चुनाव के पहले वो आरजेडी का जो दो कोटा है वो भी आएगा, कांग्रेस का भी जो दो या एक जो भी दे वह मिल जाएगा। ये 23 तारीख की बैठक के बाद कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगी, जो महागठबंधन की एकता की बैठक जो हो रही है, भारत भाजपा मुक्त बनाने की कवायद में नीतीश कुमार जो लगे, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर।